अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, वरफाना लका ज़िक्रक, ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद व बरतर कर दिया है। वो कौन सी जगह है, वो कौन सा मुकाम है, वो कौन सा कायनात का कोना है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद नहीं है और आपको हर लिहाज से, हर तौर से, हर पहलू से रब्बे करीम ने बुलंद बरतर बनाया है। अंबिया 1,24,000 आए, लेकिन जो मुकाम अल्लाह करीम ने हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। यहाँ तक के इंग्लिस्तान की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक मारूफ प्रोफेसर थॉमस कार्लाइल हीरोज़ ऑफ हीरोज़ के नाम से एक किताब लिखता है, जिसमें 100 के करीब दुनिया के हीरोज़ का तذکرہ करता है, लेकिन उनमें सरे फरिश्त जो नाम आता है वो हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हालांकि लिखने वाला क्रिश्चियन है, मसीही है, वो हो सकता है कि उसके यहाँ कुछ असबियत भी मौजूद हो, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे आला बाला तذکرہ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता है। उसके सामने आदम से लेकर आखिरी पैगंबर तक सब अंबिया के नाम मौजूद हैं। इब्राहिम को भी जानता है, इस्माइल को भी जानता है, इसहाक याकूब को भी जानता है, यूसुफ़ और ईसा, मूसा अलैहिस्सलाम सभी को जानता है और सबके औसाफ़ से वाकिफ है, लेकिन सबसे आला बाला तذکرہ हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यही नबी तो हैं कि जो बाद में आए, लेकिन आने के बाद रिसालत तमाम हो गई, नबुवत मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने खुद फरमा दिया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने के बाद मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तमाम कर दी, आपके बाद कोई नबी नहीं। अगर आपके बाद कोई नबुवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, मुफ्तरी होगा, कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा, वो कहीं भी किसी तौर भी अंबिया के सब में खड़ा नहीं हो सकता। चुनांचे बड़े बड़े लोग मुख्तलिफ अदवार में आए, उन्होंने दावे किए, लेकिन सब बातिल और झूठे हैं, इसलिए कि आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में रब कहता है वरफाना लका ज़िक्रक, मैंने आपके इस्मे मुबारक को, आपके तस्करे को, आपके मुकाम मर्तबे कितना बुलंद व बाला कर दिया है कि आपके बाद कोई नबी और रसूल भी नहीं आएगा। और ये कितनी अहम बात है कि पूरी कायनात में जहाँ जहाँ अल्लाह का तज़किरा है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा का तज़किरा है। सुन लीजिए, देख लीजिए, 24 घंटों में कितनी अजानें होती हैं, मौज़न अजान देता है, जहाँ कहीं भी वो तज़किरा करेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको साथ कहना पड़ेगा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहाँ जहाँ रेगिस्तानों में, जंगलों में, हवाओं में, फ़ज़ाओं में रब तआला का ज़िक्र है, साथ साथ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र है। कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम रखा है, वज़म्मल इलाह इस्मन नबी माहू। हसान बिन साबित कहते हैं कि रब तआला ने अपने हबीब का नाम अपने नाम के साथ साथ रखा है, जहाँ रब का तज़किरा वहीं हबीब का तज़किरा। देख लीजिए, अल्लाह ने अपने लिए बेहतरीन नाम और लकब जो पसंद किया है वो रब्बुल आलमीन का है, और इसी तरह अपने हबीब के लिए अल्लाह
रब करीम ने रहमतुल्लिल आलमीन का जिक्र पसंद किया है और फिर इसके साथ साथ अपने हबीब के लिए किताब जो पसंद की है उसका नाम जिक्रुल आलमीन है। वो जहानों का रब है, ये जहानों का नबी है और उस पर नाजिल होने वाली किताब जहानों के लिए तज़किरा व ज़िक्र व हिदायत है। तो ये बात बजा तौर पर कही जा सकती है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को, मकाम को, मर्तबे को बुलंदोबाला कर दिया है। और वो लोग जो कहते थे कि आज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ख़त्म हो जाएगा इसलिए कि माज अल्लाह बेटा हुआ, अल्लाह ने वापस ले लिया, तो वो लोग ये समझ बैठे कि बेटे के फौत होने के बाद सुलभी औलाद नहीं रही, तो इस औलाद के ना होने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज अल्लाह नस्ल ख़त्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ने अपने पैगंबर के नाम को, उसकी ज़ात को, उसकी बात को, उसके मुकाम को, उसके कलाम को, उसके पैगाम को, उसकी नबुवत को, उसकी रिसालत को क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखा है। यही नहीं बल्कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे भी जिसको मेरा हबीब चाहेगा उसको जामे कौसर मिलेगा, यानी आपके हाथ में जामे कौसर होगा, अपने मुत्तबईन को, अपने मानने वालों को, अपने फरमाबरदारों को नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाम पिलाएंगे और जिन जिन की सिफारिश रसूल खुदा करेंगे और उन्हीं को जन्नत में दाखला मिलेगा। किस कदर आला बाला नाम है, मुकाम है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हमारी ज़ुबानों में बार बार आना चाहिए, वरफाना लका ज़िक्र। Mm-hmm.